बंदी क्या होता है, लड़की बोल ना बंदी क्या होता। तो भाई जब तक घर में आया, ये देखो भाई यहाँ महफिल बैठ रखे, दादी के साथ बैठ रखे। भाई आज कैसे बैठे होंगे? तो भाई जो रोटी बनाई दादी ने मस्त हो रही है भाई, टेस्ट किया मैं। ये देखो भाई बच्चे फूल निकाल रहे हैं, लड़की तो मांगी थी। संसार थोड़ी मांगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बर्थडे हनुमान जी का है कि गोलू का है? हनुमान जी का बहुत पास है बेटा। बहुत पास है, दिखा भाई। भाई आज दादी का टाइम पास भी हो गया भाई यहाँ पे, आज मैं महफिल बैठ रही। चल खड़ा चल पानी पी ले। ये देखो हमारे बचपन की फोटो, ये देखो, ये देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई, अब तो चांद भी जूम करके दिख जाएगा। सुबह सुबह चाय आ गई भाई। तो भाई ये देखो भाई दूध लेने आ गए सुबह सुबह, और आज है गोलू का बर्थडे। और गोलू को बताओ क्या लिख रहा है, कैसे मिस कर रहे है। हैप्पी बर्थडे गोलू भाई, बोले गॉड ब्लेस यू हनुमान जी। अबे मुझे समझ में नहीं आ रहा, बर्थडे हनुमान जी का है कि गोलू का है? हनुमान जी का खतरनाक है। पहले बता क्या लिखा था, गॉड ब्लेस यू हनुमान जी। क्या लिखना था, क्या लिखना था? ब्लेस यू हनुमान जी। हनुमान जी ब्लेस यू लिख रहा था, क्या लिख रहा था? हनुमान जी ब्लेस यू। अच्छा उन्हें क्या लिख रखा था? गॉड ब्लेस यू हनुमान जी। मैंने बोला लिखा क्या है इसने? अबे यार बर्थडे बर्थडे किसका है, गोलू का कि हनुमान जी का? हनुमान जी का है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चाह गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो सुबह आपने देखा होगा अन्नू आया था, तो आज है गोलू का बर्थडे। जो पहले से ब्लॉग देखते हैं, गोलू जो आया था वो आया था सचिन भाई की शादी में, काफी सारे लोगों ने देखा होगा। तो गोलू को हैप्पी बर्थडे मेरे ब्लॉग के थ्रू। वैसे ये ब्लॉग कल आएगा बट कोई नहीं, वो मैनेज कर लेगा, वो डेली ब्लॉग देखता है तो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलना था। आज का जो मौसम है वो देखो, मस्त सी धूप लग रखी है। कल बारिश हो रही थी, आज बारिश के बाद मस्त सी धूप लग रखी है। तो बोलते हैं कि पहले जब गर्मी होती ना, तो जिस दिन गर्मी होती है उस दिन बारिश भी होती है शाम को। तो जब बारिश हो जाती है उसके बाद दोबारा गर्मी पड़ती है, तो कल वही हो रहा था। मैंने जैकेट उतार रखी थी और इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी कि मैंने पंखा भी खोल रखा था कल। तो सर बोल रहे थे कि यहाँ सारे हॉट हॉट लौंडे रहते हैं कि यहाँ इन्होंने पंखा लगा रखा है कि इतना गर्म हो रहा है इनको। मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है और दादी यहाँ पे धूप सेकने आ गई बाहर। तो एक कमेंट आ रखा था कि तुम दादी को ब्लॉग में नहीं दिखाते। भाई दादी उस टाइम बाहर ही नहीं आती थी, ये देखो अब गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो अब दादी बाहर आ रही है धूप सेकने के लिए। और दीदी तो आज झाड़ू मार रही है। चलो भाई किसी को बोलने का फर्क तो पड़ा, कमेंट करने वाला मेरी यूट्यूब फैमिली ने कमेंट किया था दीदी आज से बैठ गई। कल बोला किसी ने कि तुम्हारी दीदी रोटी क्यों नहीं बना, तुम्हारी चल दिखी तो सही। जब से ब्लॉग में दिखा रहा हो एक दिन नहीं दिखी भाई, ये आज दिख रही है। एक दिन दिखी है शायद, मुझे ऐसे याद है कि एक दिन जिस दिन तो ना रोटी लेके आ रही थी ऊपर, जब मम्मी रोटी बना रही थी तो आज आ गई थी दिया जला के। आज ताऊ जी है ना, हाँ मैंने बताया था ताऊ जी आ रखे नीचे। तो मम्मी रोटी भाई नीचे लेके आ गई, सब्जी वहीं पे खाएंगे आज। अभी रोटी नहीं बनाई होगी ना, टिफिन भी नहीं धो रखा होगा आज। मैंने आज मेरे जूते भी धो दिए भाई, ये देखो। परसों धुले थे मैं वो, हाँ। और कल बारिश में ऐसी भी गया भाई, और जो जूते धोने थे ना वो मैंने जूते ले जा रखे थे, जो धोने के लिए नहीं थे वो धुले। अब मम्मी बोलते हैं कि इतने जूते क्यों लाता है, बोल तो मेरे पास जूते जो पहले के ना वो छोटे छोटे हो जाते भाई। और कुछ नीचे रख रखे भाई, नीचे वाले बरामदे में मेरे बहुत सारे जूते। हाँ दे दूंगा भाई मैं किसी को, अब फिर लेके आऊंगा मैं खुद के लिए। अब मैं परसों जा रहा हूँ ना देर दूँ। मैंने बोला कि मैं जूते लेके आऊंगा, मैंने कहा देहरादून से। नीचे से डिमांड पड़ रही, मम्मी बोल रही मेरे को देने वाले उतने रुपए जितने जूते लाएगा बोल। और दादी बोल रही मेरे लिए दवाई लाने वाला आंखी। पुक दो मैं पैसा, पुक दो कग पुकी मैंने कीपर जूतों पर पुकी मैंने पैसा। अभी देर दून शॉपिंग कर जा जाऊ। तो भाई मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है और दीदी आज सब्जी दे रही है भाई। कौन सी पनीर वाली? तो कल रात को मम्मी ने पनीर बनाई थी भाई, वो नहीं खा रहा मैं भाई, उसको तो लंच के लिए रख दे।
और आज मुझे जूते पहन के खाना पड़ेगा भाई। तो देखो भाई आज तो दीदी लंच भी रख रही है भाई, सुबह उठने का फायदा तो हुआ कुछ। और आज ने जूते पहन के ब्रेकफास्ट किया आज। तो एक वीडियो आपने देखी होगी तारा दी पे ट्रोल वाली वीडियो, तो उसमें भी वही बोल रखा था कि तारा दी तो एप्पल पहन के खाना खा रही है। तो भाई सिचुएशन पे बात है, मेरे को लेट हो रही थी, देखो टाइम देखो कितना हो गया, 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, तो इसकी वजह से भूल में जूते पहन लेते हैं, तो जूते उतार भी नहीं सकता था भाई, लेट हो रही है, फटाफट जाने के लिए सही हो गया। तो अनु कॉल भी आती है क्या? हाँ तू तो मुझे एक दिन, तो तूने ऐसे भाई इसने एक दिन यही किया था, जिस दिन मैं दिखाया था, मैंने ब्लॉग में बताया था शादी से पहले, अपनी शादी से पहले क्या छोड़ दिया था, सब्जी छोड़ दी थी, रोटी दे रखी थी, हाँ रोटी दे रखी थी और दही दे रखी थी, सब्जी दी नहीं थी भाई। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और शाम के बज रहे हैं 6:30। तो आजकल मैंने बताया था हमारे ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, मार्च फाइनल है, तो इसकी वजह से ज्यादा काम होता है और थोड़ा लेट में निकलना पड़ता है अन्नू की वजह से, बिकॉज अन्नू होता है मेरे साथ। पहले तो मैं जल्दी निकल जाता था कि अकेला बोल के ना सर के पास कि मैं अकेला हूं, तो रास्ते में फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर आजकल अन्नू है और वैसे भी नई नई ज्वाइनिंग है, थोड़ा पुराना हो जाएगा उसके बाद तो हम जल्दी आ जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो भाई बीच में मैंने प्रमोशन नहीं किया बिकॉज मैं मैसेज देखता ही नहीं था, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि प्रमोशन करना था, तो आज का टाइम ही नहीं मिला भाई, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। काफी सारे लोगों को पता है जो पहले से ब्लॉग देखते हैं कि सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है, फिर घर आके ब्लॉग बनाना पड़ता है, फिर एडिट करना, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो जैसे कभी ऑफिस में फ्री रहता था, इस टाइम तो मार्च फाइनल चल रहा है इसकी वजह से नहीं देख पाता मैं, तो पहले जब फ्री रहता था तो देख लेता था दिन में कि प्रमोशन के लिए मैसेज आ रखे ना। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया प्रमोशन के लिए, बट वो मैसेज मैंने देखा ही नहीं, तो उन्होंने किसी से नंबर मांगा होगा मेरा। तो मैं बता दूं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि मेरा पर्सनली जो नंबर है वो किसी को ना दे, जिसको भी नंबर निकालना है मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने अपना नंबर बायो में डाला है, तो वहीं से निकाल के उस वाले व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज वो है बिजनेस व्हाट्सएप, तो वहां देख लेता हूं मैं कभी कभी जब टाइम मिल जाता है, बट मेरा जो पर्सनली नंबर है उसको लीक मत करना, तो बिजनेस व्हाट्सएप है उस पर मैसेज कर देना, उसको देख लेता हूं मैं, इसीलिए बना रखा है मैंने वो। तो फटाफट से पहले चेंज करते हैं और जिनका प्रमोशन कन्फर्म हो चुका है कि प्रमोशन के लिए वीडियो शूट करनी है तो उसको शूट करते हैं और फिर घूमने चलते हैं। तो भाई चाय भी बन चुकी है और मैं कुछ लेके आया, तो ये पकड़, ये मेरे को दे दे, बस चाय पीते हैं और प्रमोशन की वीडियो के लिए सेटअप। सिर्फ रिंग लाइट है अभी, मुझे नई रिंग लाइट लानी है भाई, ये बहुत पहले की है और छोटी हो रही है, तो मुझे चाहिए बड़ी वाली, तो वो लेके आने अभी, बिकॉज प्रमोशन के लिए काफी सारी वीडियो आ रही है, तो फटाफट से शूट करते हैं और फिर घूमने चलते हैं, अंधेरा भी होने लगी। तो प्रमोशन के लिए वीडियो भी बन चुकी है और अब इतना एक्सपीरियंस हो गया ब्लॉग बनाने की कि एक ही शॉट में प्रमोशन की वीडियो बन जाती है भाई, तो काफी अच्छा हो गया भाई, इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे। तो फटाफट से घूमने चलते हैं और देखते हैं अन्य लोग कहाँ हैं, राहुल तो ऊपर में खड़ा हो रखा था और कुलदीप भाई, तो देखते हैं रज्जू भी आ गया होगा शायद, रज्जू नीचे जागदार जा रखा था, बताया था कि फूल दे ही चल रही है, तो ये देखो भाई बच्चे फूल निकाल रहे हैं, तो मैंने बताया था फूल जो निकालते हैं वो सूर्य अस्त होने के बाद, तो वही निकाल रहे हैं, आज ही देखने को मिले भाई ये, और मैं अकेला आ रहा हूँ रोड पे घूमने, रज्जू बोल रहे मैं दुकान में खड़ा हो रखा, तो मैंने कहा मैं आगे से आता हूँ, राहुल लोग तो पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, ऐसी लड़ाई होती थी भाई हमारी, उनकी विंकल लड़ाई हो रही भाई नीचे दोनों, देखो भाई घूमने आ रखे, कहाँ जा रहे हो भाई तुम, है ब्रून डर रहे, कहाँ जा रहे हो, दीदी आ रखी होगी ना उनके साथ, कहाँ है वो, कहाँ है, है? और दो कुत्ते ये है भाई, ये देखो कहाँ से लाए हो तुम दोनों, है इस पे देखना, हेलो हेलो कहाँ खाना था नहीं, हेलो 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 कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर, हेलो कर, मस्त है भाई दोनों, ब्रूनी ब्रूनो तुम्हें रख लिया, ब्रूनो हमारे कुत्ता ना ब्रूनो, भाई मैं तो अकेले आया था घूमने और तब तक इसने कॉल कर दी थी, ये देखो कहाँ जा रहा भाई, पहले क्यों नहीं करता कॉल, और बोल रहा कि तार टूट रहे हैं, मैंने तो विश मांगी और इसने पता नहीं क्या मांगी, क्या मांग रहा क्या लड़की, क्या मांगी बताना नहीं है, पर्सनल पर्सनल लड़की है भाई, मुझे पता है, हाँ क्या बता देना रज्जू भी कॉल कर रहा था कि तुम दोनों चले गए मेरे को क्यों नहीं बोला,
तो रजू गांव में खड़ा हो रखा है, वो भी आ गया आज, कल वो जागदार था इसकी वजह से मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाया, तो आज आ चुका है। तो फटाफट से चलते हैं और रजू से मिलते हैं, फिर इनके यहाँ चलते हैं बुआ की कॉमेडी देखने भाई। तो आ जाना, हमको कुरकुरे खिला रहा भाई, खिलाएगा बुआ ने लेके दिया भाई, कहाँ है बुआ, तुमने कुरकुरे दिए ना इसको, ये अन्नू को ये बोल रहा है बुआ ने नहीं दिया, बल मैंने अपने पैसे से ले लिया चाचा नए जूते दिखा रहे तुम्हें, तुम्हें दिख नहीं रहा चाचा नए जूते दिखा रहे तुम्हें, है हाँ तभी तो दिखा रहे, ये वाले उठाओ भाई। तो भाई बुआ भी आज हमारे साथ जा रही, बोल रही कि बस तुम जाओगे तब जाऊंगी मैं, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाने, ओ भगवान प्रणाम कर, क्या संसार थोड़ी मांगे था, लड़की तो मांगी थी फिर संसार थोड़ी मांगा था। तो चलते भाई, थोड़ी बुआ लोग थोड़ी मस्त मजा आती है भाई, रजू चले गए घर, रजू बोल रहा कि फटाफट से आ जाओ, मैंने कहा थोड़ी बुआ लोग साथ होता हूँ, मैंने कहा भाई यहाँ पे आए थे और ताई आज गुस्सा हो रही भाई इस पे, किस बात के लिए, घर में नहीं रहा तुमने साढ़े दिन बाद, बेटा सवेर बैठे ना बोल रहे होगा, अभी बोल ब्याह ब्याह हम चार बजे को जाए और सुबह सुबह ये कोई तरीका होता इंसान, सही बात है भाई। अब वो ताई जी को बोल रहा कि पैसे दिए बल तूने, जा कल बर्थडे पे नहीं गया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा कितना सुनाया था हमने इसको, दस रुपए लेके तो जाता, अबे क्या दस रुपए तो दस रुपए नना और चीज तो खूब लेते है, अभी इसने कुरकुरे ले ऊपर में दस रुपए के, अब देखना अब कैसा आई लाइन पे, पहले बोल रहा था कि मैं तो अपने पैसों से ले रहा हूँ, सही बात है भाई, बहुत पैसा है दिखा भाई, पैसा है पर वो जो चीज लानी है वो लेके नहीं आता है अपने लिए, पर ताई जी तो आप चश्मे में निकल गए भाई, कहाँ गए चश्मे कहाँ है, अब खूब ही क्या का, अच्छा लगा। अब ताई जी बिल्कुल मस्त होगी भाई, बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई, अब तो चांद भी जूम करके दिख जाएगा भाई, टूटा हुआ तारा देखा हमने, टूटा हुआ तारा देखा, ले मेरे चश्मे हट गए, मैं अब तो चांद भी देख, ताई जी तो ताई जी ने अबे ताई जी अब चांद भी देखते जूम करके, भगवान चांद भी देखेंगे तारे भी देखेंगे, हमने देखा ही क्या, वही तो देखा, बंदी नहीं बोलना यार, बंदी नहीं बोलना, ठीक है भगवान बोलने पर बंदी नहीं बोलना, भगवान बंदी क्या होता है, लड़की बोलना बंदी क्या होता है, बंदी का हिसाब पता, वही तो बोला क्यों, भगवान बोला राम नाम जपो राम नाम, अब हनुमान चला चांद तेरी आटा गूंदना अपनी मम्मी से बात भाई, एक हफ्ता मैंने गूंदा अपने लिए, अपने लिए अरे तक के रोटा तो हां वाली तरी बनी दियो अबे यार भाई वो और मैं आंसर के पागल हो गए थे, कस बोला चल खड़ा हो जा चल खड़ा हो, चल पानी पी ले, चल खड़ा हो पानी पी ले, चल खड़ा हो पानी पी, पानी पिला दे मम्मी, ये कोई बात हुई, तो बुआ भाई कांटा निकाल हो क्या रहा वाली इसमें, अरे कांटा यार कांटा लगा, छोड़ दे छोड़ दे, चुबा सीधा अंदर, अभी तो लड़के तो ड्राम क्यों होते रहे, ये बदरंग मक्के से। तो भाई जब तक घर में आया, ये देखो भाई यहाँ महफिल बैठ रखे, दादी के साथ बैठ रखे भाई, आज कैसे बैठे होंगे, पहले रज्जू आया होगा ना, पहले तो आए होगी, तब रज्जू आए, ये तो घर कुत्ता चलो पिछा बैठ बाहर अकाउंट में खाओ कार्ड हुई ना रोड की ना और हाथ ही लगा भाई, आज दादी का टाइम पास भी हो गया भाई यहाँ पे, आज मैं फिर बैठ रही खुद ही बनाई दादी ने भाई रोटी बना रखी भाई, पैक की इसी का रेट है पर ठंड नहीं होता, खाई नहीं जा जब रोटी अच्छा हाँ थोड़ी सा दे दो तेल चाय खोल दिन करे जब मिला से कहते देने वाला। तो भाई जो रोटी बनाई दादी ने मस्त हो रखी भाई, टेस्ट किया मैं, और यहाँ आके बताओ एक चीज, ये देखो हमारे बचपन की फोटो, ये देखो हेलो ये देखो
मैं इसमें ये वाला हूँ मैं, और इसमें ये वाला। ये तो ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 12th की है ना, उस टाइम 12th में था मैं कि 10th में था। और ब्रूनो का मन ही नहीं लग रहा भाई, ब्रूनो यहाँ पे बैठ रखा, बोले कि सारे नीचे जा रखे। तो भाई यहाँ पे आए थे, इन्होंने बोला कि राहुल लोगों के यहाँ जाने सोने, मैंने सोचा हमारे यहाँ रह रहे आज, बट इनका मन कर रहा था कि राहुल लोगों के यहाँ, रज्जू ऊपर आ गया ये यहाँ आ रहा अब। तो यहाँ पे आया तब तक इस पे लगा हुआ मेरे पाँव, और यहाँ से पूरे अंगार उधर गिर गए। राहुल भाई खा रहे रोटी, अभी मैं इनके यहाँ आया और ये सो रखा था भाई, आवाज ही नहीं थी भाई, तूने आप कैसे उठा तू? और यहाँ देखो भाई, ताई जी लोगों घर में, और हमारे घर में तो घी घी दिखता भाई, और तभी लोग डिमांड आती है, तभी डिमांड ये क्यों तो गाइस फाइनली रात के बज रहे 10, ये तो सो गए भाई मस्त से। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग के एंडिंग, तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बना रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।